अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की रेसिपी हमारी डेज़र्ट की रेसिपी है। और इससे पहले आपने इस तरह का डेज़र्ट नहीं बनाया होगा, बिल्कुल नए तरीके का, यूनिक है, ट्रेडिशनल भी है और बहुत मज़ेदार है। और जब भी आप इसे बना के खाएंगे ना, तो आप समझ जाएंगे कि कितनी ही मज़ेदार रेसिपी बनी है। और आप अपने मेहमानों को ये पेश करेंगे ईद के मौके पर, तो आप एक फ़ख्र महसूस करेंगे कि इतना अच्छा ये डेज़र्ट बनता है, इतना लजीज और बहुत नए तरीके का है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको भी ये रेसिपी पसंद आएगी। झटपट बनने वाली ये रेसिपी, घर के कुछ सामान से बन जाने वाली रेसिपी, बहुत ज़्यादा झंझट नहीं है, बहुत यूनिक, बहुत मज़ेदार। आप देख रहे हैं, लुक ही इसका बता रहा है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे बनाते हैं ये अपनी प्यारी सी रेसिपी। तो ये रेसिपी शुरू करते हैं। 1/4 कप हमने लिया है मिल्क पाउडर, 1/2 टीस्पून वैनिला एसेंस डालेंगे। और अब हम इस मिल्क पाउडर को पानी में थोड़ा सा घोल करके पेस्ट जैसा बना लेंगे। बहुत ज़्यादा पतला पेस्ट नहीं बनाइएगा। अब थोड़े से चॉप किए हुए ड्राई फ्रूट डाल देंगे। ड्राई फ्रूट्स आप अपनी पसंद के डाल सकते हैं। मैंने काजू और बादाम और पिस्ते ऐड किए हैं। और हाँ, हमने इसमें चीनी नहीं मिलाया है, क्योंकि मिल्क पाउडर में पहले से शुगर होता है। तो बस एक पेस्ट सा बना के इसे अलग रखते हैं। हमने 8-10 पीस ब्रेड के ले लिए हैं। अब इसी से हमारा डेज़र्ट बनेगा, वो एक लाजवाब ईद के मौके के लिए डेज़र्ट हमारा बनने वाला है। ब्रेड के किनारों को हम काट लेंगे और ये वेस्ट नहीं जाएंगे फ्रेंड्स, ये हम ब्रेड क्रम्स भी बना के यूज़ कर सकते हैं। तो सभी ब्रेड्स के किनारे हमने काट लिए हैं। अब एक के ऊपर एक रख के दो ब्रेड को एक साथ रख करके हम इस तरह से कट कर लेंगे हाफ हाफ। तो इस तरह से काट करके सभी ब्रेड्स को हम तैयार कर लेते हैं। अब हम एक पैन में 1/2 लीटर दूध डालते हैं। लो फ्लेम है और दूध हल्का गर्म हो चुका है, तो अब हम ऐड कर देंगे चीनी। हमने 1/3 कप चीनी लिया है। चीनी आप एडजस्ट कर सकते हैं, तो आप जितना मीठा खाते हैं या कम या ज़्यादा। और चीनी को घुलने देते हैं। ये हमने लिया है 2 बड़े चम्मच वनीला कस्टर्ड पाउडर के, वनीला फ्लेवर कस्टर्ड पाउडर। और उसमें हमने 1/4 कप दूध रूम टेम्परेचर पर दूध डाल करके इसको घुला लिया है। ये देखिए, ये इस तरह से ऐसा बनाना है कि लंप नहीं रहे इसमें। और दूध गर्म होने लगा है, तो अब हम इसमें कस्टर्ड पाउडर के घोल को ऐड कर देंगे। और उसके बाद लगातार चलाते रहना है फ्रेंड्स, नहीं तो इसमें लम्स आ जाएंगे। अभी हीट को हमें मीडियम रखना है और हाई फ्लेम पर इसे मत पकाइएगा, लो मीडियम पे इसे हमें पकाना है। ये दूध का मिक्सचर थोड़ा सा गाढ़ा होने लगा है, तो अभी हमें इसे लगातार चलाते रहना है। आप हम इसमें 2-3 बूंद ऑरेंज फूड कलर का डाल देंगे। ये ऑप्शनल है फ्रेंड्स, आप चाहे तो ना भी डाल सकते हैं, लेकिन इस कलर के डालने से हमारे डेज़र्ट का रंग अच्छा सा आ जाएगा। मिक्सचर गाढ़ा हो रहा है, लेकिन अभी इसमें बॉयल नहीं आया है। तो अब हम इसमें डाल देंगे 1/2 कप सेवई। ये महीन वाली सेवई हमने लिया, आप चाहे तो किसी भी किस्म की ले सकते हैं। तो सेवई डाल करके इसे थोड़ा सा कुक करेंगे। तो मिक्सचर में हल्का सा बॉयल आ चुका है और हमारी सेवइयाँ बहुत बारीक हैं, तो बस ये 1-2 मिनट के अंदर ही गल जाती हैं। अब ये मिक्सचर थिक होने लगा है, तो हम फ्लेम ऑफ कर देंगे, क्योंकि ठंडा होने पर ये और भी थिक होगा। आइए अब हम कर लेते हैं कुछ। ये जो मिक्सचर हमने बना के रखा था, थोड़ा सा हम लेंगे 1/2 टीस्पून या जितना भी हमारे एक साइड में लग पाए, एक साइड टोस्ट में, तो इसे स्प्रेड कर लेते हैं और दूसरे वाले पीस से इसे यूँ लगा करके और चिपका देते हैं। तो इसी तरह सबको हम तैयार कर लेंगे। और फ्रेंड्स, ये जो डेज़र्ट हम बना रहे हैं, बड़े मज़े का बनता है, बहुत यूनिक और नया है। आप ईद पे ज़रूर बनाइए, सेवई का भी मज़ा है और दूसरे डेज़र्ट का भी मज़ा है। इसमें बनाने में ईजी है और घर में रखे हुए सामान से आसानी से बन जाता है।
तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अब हमने ब्रेड्स को अरेंज कर लिया है एक डिश में और ऊपर से ये पोर कर देते हैं जो हमने सॉस बनाया था। तो फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है ये डेज़र्ट, आप ज़रूर बनाइएगा और बना करके और हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी कैसी लगी आपको। अब हम एक टीस्पून केवड़ा वाटर ऊपर से पोर कर देते हैं। केवड़ा वाटर ज़रूर डालिएगा, बहुत अच्छा है, इससे फ्लेवर आएगा। ऊपर से थोड़े से ड्राई फ्रूट से गार्निश कर देंगे। क्रश किए हुए पिस्ते से भी हम हर एक स्लाइस को सजा देंगे, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। ये दो स्लाइस जो अलग से हमने रखे थे उससे भी गार्निश करेंगे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है ये प्यारी सी, आसान सी और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। बहुत नई सी रेसिपी है और आप ईद पे इसे ट्राई कीजिए, आपके मेहमान बहुत खुश होकर के जाएंगे और आप भी सर्व करने में एक फ़ख्र सा महसूस करेंगे। तो हमें ज़रूर बताइएगा ये रेसिपी कैसी लगी, हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। फिर मिलते हैं कुछ बहुत ही मज़ेदार, टेम्प्टिंग, अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।